मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहाँ पर, उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पर लाल डायरी मिली है और लाल डायरी मिली है उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी, उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ देखो। और एक बार, अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए, तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं? हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना, कितना मार्क्स देना? मैं तो जीरो मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं, जीरो मार्क आप दे रहे हैं क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप जीरो मार्क देना चाहते हो?